मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इस साल मुहर्रम की शुरुआत 8 जुलाई 2024 से हो गई है। आज मुहर्रम का पहला दिन है। दूसरे कैलेंडर के नए साल की शुरुआत खुशी से मनाई जाती है, लेकिन मुहर्रम मुसलमानों के लिए गम का महीना है। मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे जौमे उसरा कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते हजरत हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों और उनके मुरीदों की करबला के मैदान में शहादत हुई थी। ये घटना इस्लामिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। हजरत हुसैन ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए अपनी जान दी थी। उनकी शहादत मुसलमानों के लिए मुनफरिक उदाहरण है। मुहर्रम के महीने में मुसलमान हजरत हुसैन और उनके मुरीदों की याद में मातम मनाते हैं। दुनिया भर में इस्लामिक समुदाय इस दिन को गम और शोक के साथ मनाता है। असूरा के दिन लोग रोजा रखते हैं और मस्जिदों में इकट्ठे होकर हजरत हुसैन की शहादत को याद करते हैं। मुहर्रम का महीना हमें इंसानियत, इंसाफ और सच्चाई की याद दिलाता है। हजरत हुसैन की कुर्बानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना कभी गलत नहीं होता। इसलिए मुहर्रम का महीना मुसलमानों के दिलों में एक खास महत्व रखता है। हम सभी को इस महीने में उनके बलिदान को याद करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए।